हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं HTML का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा हमारा मार्किव टैग इन। तो चलिए बात करते हैं होता क्या है और इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं गूगल ओपन करता हूँ, सॉरी गूगल ओपन करता हूँ, डालता हूँ मार्किव टैग इन HTML। सो मैं कोई भी एक ट्यूटोरियल ओपन करता हूँ और इसमें पढ़ता हूँ होता क्या है, ठीक है। तो मार्क्यू इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टैग इंट्रोड्यूस इन HTML टू सपोर्ट सच स्क्रोलेबल टेक्स्ट एंड इमेजेस विद इन अ वेब पेज। मतलब कहने का मतलब है कि कभी भी जब भी हम अपना वेब पेज बनाते हैं तो उसमें हमको ऐसा डिजाइन लाना है जिसमें कोई भी टेक्स्ट हमारा ना स्क्रोलिंग के फॉर्म में आए, लेफ्ट से राइट से अप से डाउन से, मतलब कहीं से भी वो स्क्रोलिंग के फॉर्म में आए, ठीक है। तो ऐसे डिजाइन करने के लिए हमें मार्क्यू टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो मार्किव टैग में नीचे जाते हैं, मार्किव टैग का ये अपना टैग्स है, ऐसे लिखेंगे इसे, अगर स्टार्टिंग स्टार्ट और देन क्लोज करने के लिए इसमें स्लैश का साइन डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है द डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ मार्किव टैग्स आर। तो ये एट्रीब्यूट मार्किव टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमको टैग के अंदर ही वो डिस्क्राइब करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है टैग के अंदर, मतलब इसी के साथ ही, ठीक है। तो ये ब्रेथ, हाइट, डायरेक्शन, बिहेवियर, लोस, बिजी, कलर, सारे जो है ना आप नेट से पढ़ लेना, विड्स का मतलब जब भी हमको विड्थ डिसाइड करना रहता है तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ उसको अच्छे से लिखा हुआ, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, जो स्क्रोलिंग हो कैसा होना चाहिए, लेफ्ट से राइट से अप से डाउन से, तो सारे डिस्क्रिप्शन उसमें दिया। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, या आप नेट से इजिली जब भी आप डिजाइन करो तो याद भी नहीं करना रहता, सिंपली मार्किव टैग का नेट पर आप सर्च मारो, देन उसका एट्रीब्यूट आ जाए, और जैसे आपका अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपको वेब पेज डिजाइन करना है उस हिसाब से आप यहाँ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैंने मैं इसको बंद करता हूँ एंड देन मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे होता है। तो मैंने बी एस कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, ओपन फोल्डर करता हूँ और सी एफ ड्राइव में जाता हूँ। एफ ड्राइव में मेरा एक HTML प्रोग्राम फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट नहीं हुआ, अच्छा हो गया, ठीक है, ठीक है। फाइल में बनाता हूँ, फाइल रहेगा नाम मेरा मार्क्यू टैग्स डॉट HTML। तो टैग्स के नाम से ही मैंने फाइल बना लिया एंड देन यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो टेम्पलेट एक्सप्लोरर इंपोर्ट करता हूँ, सॉरी लॉन्ग प्रेस हो गया, टेम्पलेट अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। देन डॉक्यूमेंट टाइटल में नाम चेंज कर लेते हैं, नाम रख लेता हूँ मार्क्यू टैग के नाम से, टैग HTML, ठीक है, कर लिया मैं। एंड देन हमको पता है कि बॉडी के अंदर देखो ये मेटा जो है ना, अब मेटा इसे नेट पे सर्च मार लेना, ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक नहीं है, बट इसे आप नेट पे सर्च मारना, बाकी के लेक्चर में आने वाले लेक्चर में बताऊंगा होता क्या। बाकी फिलहाल के लिए इसे हटा भी सकते हैं, तो अभी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। तो एंड देन बॉडी के अंदर आओ, बॉडी के अंदर आओ आप, और यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्क्यू टैग का यूज़ करूँगा। पहला बताता हूँ कैसे क्या होता है, मार्क्यू टैग जैसे ओपन किए आगे सजेशन में और मैंने डाला, देखो अब मार्क्यू टैग के अंदर बिहेवियर डायरेक्शन आ रहा है। ये एट्रीब्यूट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है यहाँ पे, इमिट बेस कोड में इमिट होता है उसके थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है, अभी इसको बाद में यूज करेंगे। तो इससे मैं क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ, सही रहेगा, ठीक है, बाद में यूज़ करेंगे। मार्क्यू टैग आ गया अपने, अब इसका देखो क्या करते हैं, इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज मार्क्यू टैग्स HTML, ठीक है। एंड देन मैं इसको सेव करके गो लाइव ऑन करता हूँ, तो सर्वर अपना आ गया, देखो दिस, इसको मैं फिलहाल के लिए बंद हाइड करता हूँ। देखो मार्क्यू टैग्स इन HTML जो अपना नाम था वो आ गया टाइटल का, और देखो स्क्रोलिंग, देखो ये मैंने मार्क्यू टैग के अंदर ही दिया, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से स्क्रोल हो रहा है, स्क्रोलिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम एट्रीब्यूट के थ्रू हम बहुत कुछ इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल बहुत सारे हमारे पास एट्रीब्यूट हैं, तो नेट पर अगर ओपन करते हैं तो देखो डायरेक्शन एंड बिहेवियर बाय डिफॉल्ट वहाँ दे दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन और बिहेवियर को इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, टेस्ट डायरेक्शन बिहेवियर, देखते हैं डायरेक्शन बिहेवियर में है क्या। तो
तो डायरेक्शन प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑन विच इन ऑन वे इन विच यूर मार्क्यू विल बी अलाउड टू स्क्रोल द वैल्यू ऑफ दिस एटीट्यूड कैन बी लेफ्ट राइट अप टू, मतलब डायरेक्शन है इसका कि अप जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, बॉटम जाएगा, जो भी है। तो मैं डायरेक्शन देता हूँ, सॉरी मैं डायरेक्शन पढ़ा, हाँ डायरेक्शन में राइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो बिहेवियर देख लेते हैं, बिहेवियर होता क्या है, बिहेवियर प्रोवाइड द स्क्रोलिंग टाइप इन मार्क्यू दैट स्क्रोलिंग कैन बी लाइक स्लाइडिंग स्क्रोलिंग और अल्टरनेट। सो बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए हैं, स्लाइडिंग होगा, स्क्रोलिंग, अल्टरनेट, तो मैं अल्टरनेट डाल देता हूँ, ठीक है। तो अल्टरनेट में कर देता हूँ, अल्टरनेट वे में आए हमारा अल्टरनेट, ठीक है। एंड देन अब मैं सेव करता हूँ, एंड देन चलो और भी है, और भी टैग है, सबको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ पहले, तो बहुत सारे टैग हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन हो गया अपना, और मैं पहले कलर देता हूँ, ठीक है, बी जी कलर, कलर क्या रहना चाहिए, चलो ग्रीन कर देता हूँ, बैकग्राउंड जो कलर है ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और भी है, और भी है, हाइट क्या रहना चाहिए, हाइट कर देता हूँ हम, चलो 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो हाइट हो गया, बिहेवियर और डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया, तो ग्रीन, चलो ठीक है। अब सेव करते हैं एंड देन हम चेक करते हैं वेब पेज अपन, ठीक है। तो मतलब कुछ एरर, अच्छा एरर है यहाँ पे, हमको कॉमा नहीं देना है, ठीक है, कॉमा नहीं देना है यहाँ पे, याद रखना आप कॉमा नहीं देना है, ठीक है। स्पेस देना, हमें स्पेस दे देंगे, कॉमा नहीं देना है। देन सेव करते हैं अभी एंड देन चेक करते हैं। तो देखो मैंने जो कलर दिया था कोड में, ग्रीन दिया था, और जो हाइट है, जो हाइट मैंने 100 mm दिया था, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, आप चेंज कर लेना, 100 mm के जगह मैं कर देता हूँ 50, ठीक है। एंड देन मैं चेक करता हूँ, तो देखो पतला हो गया, मतलब हाइट आप चेक अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, कितना चौड़ा कितना पतला होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हाइट ये डिनोट कर रहा है। एंड देन देखो दिस इज मार्क्यू, दिस इज ए मार्क्यू टैग इन HTML, कहाँ से, राइट से स्क्रोलिंग कर रहा है, राइट से स्क्रोलिंग कर रहा है, तो हम चाहें तो इसको लेफ्ट से भी कर सकते हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन दे देंगे, लेफ्ट। एंड चलो एक और टैग इसमें इंक्लूड कर देते हैं, एट्रीब्यूट इंक्लूड कर देते हैं, ब्रेथ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेथ, ब्रेथ डाला हुआ है, तो हम इसका डायरेक्ट मतलब उसका चौड़ाई कितना होना चाहिए भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो कॉमा मैं बार बार लगा रहा हूँ, लेकिन नहीं लगाना हमें, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 500, सेव, देन ओपन करते हैं। तो देखो ब्रेथ अपना जो है ये छोटा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट है, आप इसमें से ओपन करके नेट आप देख चेक कर सकते हो। तो एक दो और चेक कर लेते हैं, चलो बिहेवियर लूप्स, लूप्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोवाइड हाउ मेनी टाइम द मार्क्यू विल लूप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोड ओपन करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 100 times कर लेता, 800 कर देता हूँ, और जो हमारा डायरेक्शन भी है थोड़ा अप डाउन कर लेते हैं, अप कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन हम लूप लगाते हैं, लूप मतलब अभी पता चलेगा आपको, लूप 5 times करते हैं, ठीक है। देन सेव करते हैं, ओपन करते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पे ये लूप बंद हो गया। तो लूप कितने टाइम आपको स्क्रोलिंग कराना ना, लूप वो बताता है कि अब जितना सेट करोगे उतना ही वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो लूप का मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, आप नेट खोल के एक बारी बारी करके सबको पढ़ें और एग्जांपल के थ्रू उसको देखें, तो आपको आई थिंक बहुत अच्छे समझ आएगा। तो बाकी तो समझ गए होंगे आप मार्क्यू टैग के मार्क्यू होता क्या है, इसके एट्रीब्यूट क्या है, और कैसे यूज करते हैं अपने वेब पेज में, ठीक है। तो देन अभी क्या करते हैं, इसको हम आते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स है ना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स का, तो अब देखो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स करने से एक अच्छे वे में दिख रहा है, अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चलो नीचे आता हूँ, और मैं बताना चाहूँगा आपको, एक होता है टैग H1 टू लेके H6 तक, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे गूगल पे H1 टैग इन HTML। H1 का मतलब होता है हेडिंग, तो जब भी हमें हेडिंग वगैरह करना होता है ना, हेडिंग वगैरह डालना होता है, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 का टाइप कर, देखो पहला H1 बड़ा, इसका साइज इतना है, देन उसका डिक्रीज हो रहा है ना। तो आप एक जो भी टैग आप जो भी हेडलाइन आपको यूज करना है,
कितना बड़ा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप H1, H2, H3 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जैसे इसमें है, मैं चाहता हूँ कि दिस इज माई क्यू टैग इन HTML ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे H1 डालूँ, H1 टैग बड़ा था ना, तो देन हम इसे बड़ा कर देंगे एंड देन इसको क्लोज भी करना रहेगा, बताया था स्टार्ट एंड क्लोज टैगिंग। तो जैसे आप सिलेक्ट डालोगे H1 आ गया, ऑटोमेटिक सेव कर लो। अब देखो ये चीज बड़ा दिखेगा, देखो बड़ा दिखा ना, अच्छा दिखा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये टॉप बॉटम हटा के मैं इसमें डालता हूँ लेफ्ट, और मैं क्या करता हूँ ब्रेथ को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ, और जो हाइट है अपना 100 कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, सेव किया एंड देन इसको वेबपेज को ओपन किया। देखो तो नीचे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कोड में हमने कहीं डाला एक्स्ट्रा चीज़ें, ये चीज़ें। ठीक है, इसको हटाते हैं देन सेव करते हैं एंड देन ओपन करते हैं, तो चीज़ हट गया होगा। तो देखो दिस इज ए मार्क्यू टैग इन HTML, बड़ा दिख रहा है और अच्छे से लेफ्ट से स्क्रॉलिंग कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा H1 टैग क्या होता है। फिलहाल के लिए हम और भी देख सकते हैं, मान लो हम नीचे आते हैं H1 टैग करते हैं। ठीक है, सॉरी ऐसे मत करो, H1 डायरेक्ट आप लिखोगे सजेशन में आ जाएगा, डायरेक्ट H1 डालो। तो आप लिखो फर्स्ट। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अब इसमें एक सेटिंग होता है, सेटिंग पे जाओ आप, कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाओ, यहाँ पे डालो आप कॉपी डालो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉपी लाइन डाउन। अगर किसी भी लाइन को डाउन कॉपी करना है तो हमारा शॉर्टकट की होता है शिफ्ट अल्ट डाउन एरो। ठीक है, तो बहुत सारे शॉर्टकट हैं आप यहाँ से देख सकते हो, तो शिफ्ट अल्ट डाउन होता है। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मार्किंग टैग में जाता हूँ और देखो कॉपी हो रहा है ना, कॉपी हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू कर देता हूँ। तो VS कोड में ना, मतलब आप बहुत इजी चीज़ें कर सकते हो अगर आपको चीज़ें याद हैं तो, मतलब इसमें समझना नहीं होता ज़्यादा कुछ, चीज़ें को रटना नहीं होता, बस आप एक बार समझ जाओ, एक बार आपको पता है H1 टैग क्या होता है, ऑटोमेटिक वो सजेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सेकंड थर्ड कर दिया। ठीक है, ऐसे ठीक है एंड देन इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब फिर ओपन करता हूँ, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाला इतना बड़ा, सेकंड छोटा, देन छोटा, तो आप ऐसे करते करते सिक्स तक जा सकते हैं ना। ठीक है, अब सेव करते हैं इसको एंड देन ओपन करते हैं लाइव सर्वर। देखो तो H1 से लेके ऐसी जो भी हेडलाइन है उसका जो फॉन्ट साइज साइज लेंथ छोटा हो रहा है, तो आप ये हम हेडिंग के टाइम यूज करते हैं, कैसे हेडिंग की आवश्यकता अनुसार हम इसको यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों H1 टैग एंड मार्किंग टैग के बारे में। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि मार्किंग टैग क्या होते हैं, उसके अंदर जितने एट्रीब्यूट हैं सबके बारे में आपको अच्छे समझ में आएगा। देन उसके बाद H1 से लेके H6 तक का जो टैग होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है। सो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और टैग के साथ, किसी और टॉपिक के साथ इन HTML में। तब तक के लिए आप ये वीडियो सारे देखें और प्रैक्टिस करें, और आई होप कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा वीडियो देखकर। रहने देते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर।